गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 17 फिनिश किया था, अगर चैप्टर में कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग उसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज हम हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 18 बढ़े चलो इसकी रीडिंग करेंगे। ये एक कविता है, इसे समझेंगे। सभी अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 81, चैप्टर नंबर 18 बढ़े चलो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं ये सब क्या हैं, ये सब है सैनिक। तो जो कवि है वो सैनिकों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आप वीर हैं आगे बढ़ते रहिए, आप धीर हैं आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। जैसे कि सैनिक होते हैं, हम देखते हैं ना, वो हमारी हमेशा वो तैनात रहते हैं हमारी रक्षा के लिए, कभी भी रुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, निडर होकर साहस के साथ हमेशा अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए लड़ते हैं। तो कवि उन्हें संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम आगे बढ़ते रहो। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। यानी कि कवि कहना चाह रहा है कि सामने भले ही तुम्हारे पहाड़ खड़ा हो, सिंह की दहाड़ हो या शेर की दहाड़ हो, या तुम्हारे सामने शेर खड़ा हो जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, आपको डरना नहीं है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर हो, तुम्हें वहाँ से हटना नहीं है। तुम निडर डटो वहीं, आप निडर हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं, हमें वहीं डटे रहना है और साहस के साथ हमारी लड़ाई लड़नी है। यानी कि हमारे सामने चाहे पेड़ हो चाहे शेर हो, हमें निर्भीकता का परिचय देते हुए सबका सामना करना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यानी कि कवि एक बार फिर उनसे कह रहा है आप वीर हैं आगे बढ़ते रहिए है, धीर हैं धैर्यवान हैं आगे बढ़ते रहिए। बादल रहें गरजते, मेघ रहें बरसते, बिजलियां चमक उठे, बदलियां कड़क उठे। यानी कि अगर बादल भी गरजते हों, उनके गरजना हमें चाहे कितनी ही डराए, मेघ बरसते हों चाहे कितनी ही भयंकर बरसात हो, चाहे बिजलियां आसमान में चमक रही हो, लेकिन हमें क्या करना है, डरना नहीं है, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और साहस के साथ बहादुरी के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि हमें ये बताना चाहता है कि जो सैनिक होते हैं वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं और हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। कई मुसीबतों का सामना भी करते हैं पर फिर भी वो नहीं डरते, वो वीर हैं और वो धीर हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो चैप्टर की रीडिंग है वो हुई फिनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक एक्सरसाइज फिल करते हैं। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लिखेंगे शब्दार्थ। ठीक है, सभी अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे, नोटबुक्स में डेट, चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम मेंशन करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वीर। वीर का मतलब होता है बहादुर। सिंह, सिंह मतलब शेर। निडर, जो किसी से नहीं डरता हो, बहादुर हो बिना डर के। नंबर 4, गरजना, कौन गरजते हैं, बादल, बादलों की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं गरजना, तो बादलों की आवाज़। नंबर 5, पहाड़, पहाड़ मतलब पर्वत। नंबर 6, दहाड़ यानी सिंह की गर्जना, सिंह यानी शेर, शेर की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं दहाड़, शेर दहाड़ता है। नंबर 7, मेघ, मेघ यानी बादल। ठीक है, 7 हार्ड वर्ड्स हैं, सभी इनको अच्छे से लर्न, अच्छे से राइट करना, मात्राओं की गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो यहाँ हमारे हार्ड वर्ड और चैप्टर की रीडिंग जो है वो होती है फिनिश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, वीर से कवि क्या करने के लिए कह रहा है? आंसर लिखेंगे, वीर से कवि आगे बढ़ते रहने के लिए कह रहा है। कवि ने कहा ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए उससे आगे बढ़ने की कह रहा है। प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो, कवि किससे ना डरने को कह रहा है? कवि पहाड़ से और सिंह की दहाड़ से, यानी कि शेर की दहाड़ से ना डरने को कह रहा है। प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन, रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? यानी कि आगे बढ़ने के लिए जब वीर आगे बढ़ रहा है तो उसके मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं? आंसर लिखेंगे, बादल गरजते हैं, मेघ बरसते हैं, कोमा बिजलियां चमकती है और बदलियां कड़कती हैं। यानी कि उसके मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं? बादल गरजते हैं, बहुत तेज बरसात होती है, बिजलियां चमकती हैं और बदलियां कड़कती हैं। प्रश्न नंबर चार, कवि वीर को क्या संदेश दे रहा है? कवि वीर को क्या संदेश दे रहा है? कवि वीर को यह संदेश दे रहा है कि तुम लगातार आगे बढ़ते रहो, यानी कि तुमको डरना नहीं है, निडरता से साहस के साथ सभी परेशानियों का सामना करना है। प्रश्न नंबर छः, प्रश्न नंबर छः, कवि ने वीर की क्या विशेषता बताई है? तो कविता के अनुसार जो हमारी कविता में है उस हिसाब से कवि ने वीर की क्या विशेषता बताई है? कवि के अनुसार वीर धैर्यवान और निडर है, यानी उसमें धैर्य है और वो किसी से नहीं डरता। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ और रीडिंग जो है वो होती है फिनिश। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो आप नेक्स्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारी अगली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।